बात करने जा रहे हैं मूल कॉन्सेप्ट। ये मूल कॉन्सेप्ट जो है फाउंडेशन 2023 और 25 के लिए स्टार्ट कर दिए हैं आज केमिस्ट्री का टॉपिक। इसलिए जो भी बच्चे हैं 2023 और 25 के लिए हैं वे जल्दी करें, बैच सब स्टार्ट है, और भी बैच स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट जो बैच है वे 6 जून को अगेन 2 से 4 स्टार्ट होगा, एक सुबह में भी स्टार्ट होने वाला है 8 से 10। इसलिए जो भी बच्चे यदि आप भी किशोर सर के पास पढ़ना चाहते हैं तो आ जाएं, और यदि आप पटना में आए हैं तो भी किशोर सर के पास ना पढ़े तो समझिए आप कुछ नहीं पढ़े। आपको शायद ये विश्वास नहीं होगा, आप जब क्लास करेंगे तब आपको पता चलेगा जो भी किशोर सर क्या पढ़ाते हैं। चलिए हम बात करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का एक बेसिक पॉइंट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो मोल होता है क्या? मोल एक फंडामेंटल एसआई यूनिट है अमाउंट ऑफ सबस्टांस का। जिस तरह से आप जानते हैं, यदि आपसे हम कहें केजी तो किसका यूनिट कहते हैं? मास का यूनिट कहते हैं ना, मीटर लेंथ का यूनिट कहते हैं। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सबस्टांस को मेजर करने का जो एक तरीका है वे किस लैंग्वेज में? मोल में। जिस तरह से हम जानते हैं 1 डजन में 1 दर्जन में 12 होता है, उसी तरह से केमिस्ट्री में 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल का मतलब टुकड़ा, यानी 1 मोल यदि कहें तो इतना टुकड़ा। और इसी को एक साइंटिस्ट के नेम को प्रतिष्ठित किया गया है एवोगाड्रोज नंबर, और एवोगाड्रोज नंबर को सिंबलाइज कर दिया गया है Na। ऐसा दुनिया में मान लिया गया है, आपको भी मानना पड़ेगा। एनी वन केमिकल पार्टिकल इज इक्वल टू 1 मोल। कोई भी एक केमिकल पार्टिकल होगा वे अपने आप में कितने मोल के बराबर? 1 मोल के बराबर। और ये जो केमिकल पार्टिकल है इसमें कौन कौन हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयन होगा। एटम जो कि एलिमेंट का एक सिंबल को हम लोग एटम कहते हैं, मॉलिक्यूल जहां पे ग्रुप ऑफ एटम हो, आयन जहां पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हो। फार्मूला नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, यहां पे नंबर ऑफ क्या होगा? मोल निकालने के लिए गिवन पार्टिकल में डिवाइड कर देंगे इतना से। तो चलिए इसका डिटेल और एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो यदि कैल्शियम कहें, दुनिया का कोई भी सिंबल पार्टिकल अपने आप में 1 मोल, तो ये कैल्शियम भी 1 मोल। और 1 मोल यदि कहा जाए तो 6.022×10³। ये किसका सिंबल है बच्चों? एटम का। इसीलिए यहां हम लगा देंगे एटम्स इज इक्वल टू एवोगाड्रोज एटम्स और इज इक्वल टू क्या कहेंगे? Na एटम। क्लियर है? सपोज कीजिए हम CO2 ले लें, तब पे भी कितना मोल? 1 मोल। क्यों? क्योंकि दुनिया में कोई भी सिंबल 1 मोल के बराबर, और इज इक्वल टू 6.022×10³। क्या बोलेंगे बच्चों? मॉलिक्यूल। और ये कहलाएगा एवोगाड्रोज मॉलिक्यूल, और इसी को हम लोग क्या कह देंगे? Na मॉलिक्यूल कह देंगे। ठीक। अगेन यदि NH4+ कहा जाए तो ये अपने आप में कितना मोल? 1 मोल होगा, और इज इक्वल टू 6.022×10³। क्या कहेंगे? आयंस। अगेन एवोगाड्रोज आयन के नाम से, इक्वल टू Na आयन के नाम से जानेंगे। तो इस तरह से मोल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे दिए। यदि आप मेरे क्लास कर रहे हैं तो Core 7 में प्रॉब्लम बनाना है। चलिए अब तो विशेष क्या कहें।